हेलो दोस्तों, अगर आप कार नहीं तो बाइक ओनर है, नहीं तो आप नया कार नहीं तो बाइक खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो खर्चा है वो बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर दिया है और उसके हिसाब से IRDA ने इंश्योरेंस में कुछ चेंजेस लाया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो मोटर इंश्योरेंस में चेंजेस आया है, कैसे वो आपको इफेक्ट करेगा अगर आप कार ओनर है नहीं तो आप कार खरीदना चाहते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। फ्रेंड, आई थिंक आपको ये पता है कि कार इंश्योरेंस में दो कॉम्पोनेंट होता है, एक है ओन डैमेज और दूसरा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ओन डैमेज मतलब है कि अगर आप कार नहीं तो बाइक का एक्सीडेंट करते हैं तो कार का बाइक का जो डैमेज होता है उसके लिए अगर आप इंश्योरेंस करें तो उसको ओन डैमेज कहा जाता है। और अगर आप एक्सीडेंट करके किसी का प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, नहीं तो किसी को इंज्योर करते हैं, नहीं तो उसका डेथ हो जाता है, तो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो इंश्योरेंस है उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, जो ओन डैमेज है वो ऑप्शनल है, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। कोई भी जो गाड़ी लेता है नहीं तो मोटर बाइक लेता है उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना कंपलसरी होता है। लेकिन पहले क्या था कि पहले लोग एक साल के लिए वो कर सकते थे, मतलब हर साल उसको रिन्यूअल करना पड़ता था। लेकिन इससे क्या होता था, जब गाड़ी पुराना हो जाता था तो लोग बहुत सारे केसेस में वो इंश्योरेंस फिर से रिन्यूअल नहीं करते थे, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो थर्ड पार्टी जो क्लेम होता है वो फुलफिल नहीं होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया कि मिनिमम टाइम जो होगा कार इंश्योरेंस का, थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस का, वो कार के लिए 3 साल और मोटर बाइक के लिए 5 साल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप अभी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको मिनिमम 3 साल के लिए थर्ड पार्टी कवर लेना पड़ेगा। ओन डैमेज जो ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं, 1 साल भी ले सकते हैं, 3 साल भी ले सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी डैमेज के लिए आपको 3 साल लेना पड़ेगा। और अगर आप बाइक खरीदने जाते हैं तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो ऑन रोड प्राइस है कर का वो बढ़ गया है, और जिसका इंश्योरेंस अभी एक्सपायर होने वाला है अब वो करने जाएंगे तो उसको भी ऐसे ही कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल के लिए करना पड़ेगा। और ये जो रूल है एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, IRDA ने 1 सितंबर 2018 से चालू कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है नहीं तो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपका खर्चा बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, चलिए आपको दिखा देते हैं कि अभी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम क्या होगा, उसका भी डिटेल गाइडलाइन है, तो चलिए दिखा देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर आपका कार 1000 cc तक है तो पहले आपको 1850 देना था, अभी आपको 5286 देना पड़ेगा। अगर आपका कार 1000 cc से ऊपर हुआ और 1500 cc तक हुआ तो पहले आपको 2863 देना पड़ता था, अभी आपको 9534 देना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं 3.33 टाइम्स बढ़ गया है, 3 गुना से भी ज्यादा। और पहले अगर आप 1500 cc के ऊपर होता था तो 7890 देना पड़ता था, अभी आपको 26305 देना पड़ेगा। तो कितना कॉस्टिंग बढ़ गया है आप देख सकते हैं। टू व्हीलर के लिए आप देख सकते हैं कि अगर 75 cc तक था, पहले 427 था, अभी 1045 हो गया है। 75 cc से 150 cc तक 720 था, पहले 3285 हो गया है। और 350 cc के ऊपर हुआ तो 2323 था, अभी 13034 हो गया है। तो कितना बढ़ गया है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपने देखा कि कितना कॉस्टिंग बढ़ रहा है, लेकिन जो ओन डैमेज पार्ट है उसमें कोई डिसीजन नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी खुद डिसाइड करता है। तो ऑफकोर्स उसमें भी बढ़ेगा अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं, नहीं तो 5 साल के लिए बाइक के लिए लेते हैं। और एक चीज जो प्रॉब्लम होगा दोस्तों, पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनी था, अगर 1 साल नो क्लेम होता था तो वो नो क्लेम बोनस आपको ऑफर करता था। लेकिन एज बिकॉज अभी आप 3 साल नहीं तो 5 साल के लिए ले रहे हैं, वो नो क्लेम जो बोनस है वो अब नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अच्छा है क्योंकि उसका एक साथ बहुत ज्यादा प्रीमियम उनको मिल रहा है तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन
पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो इमीडिएट कॉस्टिंग है तो वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो दोस्तों होप आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कार इंश्योरेंस के बारे में, ये आपको हेल्प करेगा अगर आप कार ओनर नहीं तो नया कार खरीदना चाहते हैं तो। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।